हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मानसून सीजन में आप अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर सकते हो। तो नंबर वन पे है अपना चौला, जिसे अपन लॉन्ग बीन भी बोलते हैं। तो इसको लगाना बहुत आसान है, इसे आप बालकनी में भी ग्रो कर सकते हो। इसको लगाने के लिए 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए सफिशियंट होती है और इसको लगाना बहुत आसान है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर मैं चौले के सीडी डाल रही हूँ। थोड़ा सा अपन गड्ढा करेंगे और उसमें कोकोपीट डाल देंगे और फिर सीड डाल देंगे और उसको कवर्ड कर देंगे। इस तरीके से अपन यहाँ पर मैं कोकोपीट का यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अपना सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाए प्रॉपर तरीके से। इसी मेथड से आपको सारे सीड्स ग्रो करने हैं एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। तो ये है पंपकिन, जिसे अपन कद्दू भी बोलते हैं। ये देखिए, इसमें एक छोटा सा बेबी पंपकिन बन चुका है, आप देख सकते हैं। ये थोड़े दिन बाद बड़ा हो जाएगा, तब हम इसको तोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट वेजिटेबल है क्लस्टर बीन, जिसे अपन गंवार की फली बोलते हैं। ये अभी फ्लावरिंग स्टेज में है, इसमें फ्रूटिंग अब स्टार्ट होने वाली है। तो आप इसको भी बहुत इजीली अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वेजिटेबल है ओकरा, जिसे अपन भिंडी बोलते हैं। इसमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों स्टार्ट हो गई है। इसको आप तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हो, गर्मी सर्दी बारिश में आप इसको कभी भी लगा सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। ये है ब्रिंजल, जिसे अपन बैंगन बोलते हैं। इसको भी आप बारिश सर्दी गर्मी कभी भी ग्रो कर सकते हो। और अभी इसमें स्टार्ट हो गई है फ्लावरिंग, देख सकते हैं आप। थोड़े दिन बाद इसमें छोटे छोटे से फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वेजिटेबल है बिटर गार्ड, यानी कि करेला। ये देखिए, करेले की बेल चल चुकी है अपनी। करेले के पास में ये लगी है अपनी गिल्की, जिसे अपन स्पॉन्ज गार्ड भी बोलते हैं। इसमें अभी फ्रूटिंग नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी और उसका वीडियो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और ये अपने लगे हैं भुट्टे, तो बारिश में आप भुट्टे भी ग्रो कर सकते हो। और नेक्स्ट है ये टोमेटो। ये देखिए, टोमेटो में प्रॉपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से आप टोमेटो भी ग्रो कर सकते हो पॉट में भी। इसके लिए आपको 12x12 इंच का पॉट लेना है, इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट है ये अपनी, ये इसमें ब्रिंजल लगा हुआ है पॉट में। और ये है अपनी गिल्की स्पॉन्ज गार्ड, ये मैंने ग्रो बैग में ग्रो कर रखा है। इस तरीके से आप ग्रो बैग में भी इजीली वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो। ये देखिए, ये टोमेटो है, ये भी ग्रो बैग में लगा हुआ है। और ये देखिए, इसमें कितनी सारी मिर्ची आ चुकी है। इस तरीके से आप मिर्ची भी घर पे आराम से ग्रो कर सकते हो। गाइस, कितना अच्छा लगता है जब अपन अपने किचन गार्डन से सब्जियों को हार्वेस्ट करके उनको कुक करते हैं तब। तो यहाँ पर मिर्ची को ग्रो करने के लिए आप कोई भी 7 से 8 इंच का पॉट ले सकते हो, उसमें इजी वे में आप मिर्ची को ग्रो कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर हमारी छोटी सी लौकी आ चुकी है। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों स्टार्ट हो गई है। ये हमारा लौकी का पौधा है और इसी में हमने गिल्की भी लगा रखी है। ये हमारे छोटे छोटे से मिर्ची के प्लांट्स हैं। और यहाँ पे भी ये देखिए, मिर्ची के साथ हमने लौकी भी लगा रखी है। और ये देखिए, हमारे छोटे छोटे से बेबी स्वीट कॉर्न आ चुके हैं। ये थोड़े दिन बाद बड़े हो जाएंगे, तब हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये सब वेजिटेबल्स आप अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हो। अगर ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।